हजरीदाल की इस पवित्र माटी पर विराजमान परम पूजनीय अनंत श्री विभूषण श्री राम लला जी महाराज के पावन सानिध्य में हम सब लोग यहाँ पर भगवत रूपी गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा है, आनंद है, भंडारा प्रसाद दिन भी चल रहा है, रात भर चल रहा है, अनवरत नौ दिनों तक यहाँ पर कम से कम 50,000 1,00,000 भक्तगण पधार रहे हैं और भंडारा प्रसाद ले रहे हैं। महाराज जी को जब कोई याद करता है, उनका नाम लेता है, रामलालाचार्य जी का स्वरूप देखता है सामने, तो सारा दुख मिट जाता है। ऐसा लगता है हमारे राम जी आ गए और हमारे परम पूजनीय महाराज जी पहले राम भक्त भी थे। राम जी का अभिनय करते थे। तो मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैं जब पूजा करता हूं या भोजन करने लगता हूं तो सोचता हूं कि राम जी हमारे कैसे रहे होंगे, तो हमको राम लला महाराज जी का स्वरूप सामने आ जाता है कि राम जी हमारे ऐसे रहे होंगे जैसे हमारे महाराज। इतना सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर आंखें, इतना सुंदर चरण, महाराज जी के चरण बड़े सुंदर हैं। अच्छा, कभी जीवन में राम लला महाराज जी के चरणों को देखिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा, बड़े सुंदर चरण है महाराज जी के। हमको लगता है क्या है, जिनके आचरण सुंदर होते हैं उनका स्वरूप भी सुंदर होता है। हमारे महाराज जी का आचरण बड़ा सुंदर है। क्या भाव है, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। दुख के दिनों में कुल
हाथों से प्रेम करे, ये छोटे बड़े सबको सबको स्वीकार करे। Hey!
कोमल प्रताप सिंह जी डब्लू भैया की तरफ से फिर से 5000 रुपए की भेंट आई है। जी हमारे परम सम्मानी भाई डब्लू सिंह जी की तरफ से कुछ भेंट आई है। भाई डब्लू सिंह जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। भाई बासु भैया दूरदर्शन के कलाकार और हमारे रीवा के भले हमको लगता है कि रामलला आचार्य महाराज जी का आशीर्वाद हमारे बासु भैया का है। हमको तो पैसा लागत तो बासु महाराज का। बासु महाराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन है उनका। हमारे परम सम्मानी डब्लू सिंह जी विनीत पांडे जी जनपद अध्यक्ष महोदय अमर पाटन विराजमान है उनके लिए दो शब्द कहूंगा। ये हुनर ये रहनुमाई ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। ये हुनर ये रहनुमाई ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। अध्यक्ष तो बहुत देखे अमर पाटन में यारो, अध्यक्ष तो बहुत देखे अमर पाटन में यारो, लेकिन विनीत पांडे जैसा अध्यक्ष नहीं देखी। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। Hey!
की जय हो। हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय डब्लू सिंह जी विराजमान है, उनके लिए दो शब्द कहूंगा। क्या भाव है कि ये शब्द है किताबों में बिखर जाएंगे, ये खुशबू है फूलों में उतर जाएंगे, नफरत ही सही हाथ को मिलाओ इनसे, ये कोमल प्रताप सिंह डब्लू भैया है सबके दिल में उतर जाएंगे। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन वंदन। परम पूजनीय महाराज जी की कृपा अब यह मंजमा हम राम जी या शंकर जी के अलावा क्यों को नहीं गाए सकते। आज केकर जन्मदिन है महाराज जी के ना, हाँ तो महाराज जी के गा दे आज मनाई के गाना ना गवाई। यह मंजमा बैठ है ता हम और कोनो हिसाब से कह दे थे काम पे, आज यह हम सोच के आए रहन कि आज केवल भगवान के भजन गावे के लिए परमात्मा के कृपा। परम सम्मानी विनीत पांडे जी हम बच्चे सबको परमात्मा के संतान हैं। आज भगवान की कृपा है कि भगवान के भजन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। हम इंगारी आई चलो ठीक है। एक डब्लू जी एक महाराज जी के श्री चरणों में एक भजन सुना रहा हूँ। महाराज जी के पावन कमल बच चरणों में ये भाव कि महाराज जी कैसे हैं, महाराज जी सब आपके कमल बच चरणों की छत्र छाया में, आपके कमल बच चरणों की कृपा से हम सब लोग आनंद में है, सुख में है, खाने को मिल रहा है, चलने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, संतों के आशीर्वाद से ही हम लोग हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। मजा क्या कि संत कृपा न हो और आदमी एक पल चल ले, भगवान उसी की सुनता है जो संत की सुनता है, जो संत को मानता है। डायरेक्ट भगवान कभी नहीं मिलता, भगवान उसी को मिलता है जिसके ऊपर संत की कृपा होती है, संत के माध्यम से भगवंत का दर्शन होता है। परम पूजनीय संत गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में ये भाव कैसे हैं हमारे रामललाचार्य जी महाराज कि हे महाराज जी इस चमक इतमक फूल बल महक सब कुछ गुरुदेव तुम्हें से है, सब कुछ गुरुदेव आपके कमल चरणों की छत्र छाया से है। गुरुदेव के चरणों में ये भाव बड़ा सुंदर भजन है, सुनिएगा। इसके बाद मैं परम सम्मानी डब्लू सिंह जी जो आदेश किए हैं मैं विनीत सिंह जी के लिए जरूर दो शब्द भगवान की कृपा से गाऊंगा। कैसे हैं महाराज जी, चमक इतमक फूल बन महक, सुनिएगा सब लोग थोड़ा सा भाव से प्रेम से आस्था विश्वास समर्पण प्रयास से प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। पत्थर से प्रेम हो जाता है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इचमक इतमक फूल बन महक, इचमक इतमक फूल बन महक, सब कुछ राम लला महाराज तू मई से है, सब कुछ महाराज तू मई से है, चमक की चमक फूल बन महक, सब कुछ राम लला महाराज तू मई से है, सब कुछ महाराज तू मई
कुछ महाराज कैसे है तुमसे गुरुदेव चूमे गुरुवर के चरण इठला के पवन चूमे गुरुवर के चरण इठला के पवन बदियन मबार गुरुदेव सुनिए के खेवन हार हो तुम मेरा बेड़ा पार तुम ही से है मेरा बेड़ा पार तुम ही से है सब कुछ गुरुदेव तुम ही से है इच्छा मत इच्छा मत फुलवन इठला के पवन चूमे गुरुवर के चरण इठला के पवन बगियन महार तुम ही से है बगियन महार तुम ही से और क्या है सतगुरुदेव भगवान सुनिए मैं तो भूला सब शुद्ध बुद्ध चेला तोरी प्रीत मारोते हैं नैना तोरी प्रीत मारोते हैं नैना कैसे नैना रोती है गुरुदेव रंग रंग मां बसी है प्रीत तोरी रंग रंग मां बसी है प्रीत तोरी अखियन मां खुमार तुमई से है अखियन मां खुमार तुमई से है सब कुछ गुरुदेव तुमई से है सब कुछ गुरुदेव तुमई से है Thank you.
चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं मेरे दिल को प्यार तुम्हारी से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हारी से है, सब कुछ गुरुदेव सब कुछ गुरुदेव के पवन चुमे गुरुवर के चरण इथला के पवन बगिया नरवा बहार तुम्हें से बगिया में बहार बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हमारे बीच में बहुत आज हो गया ऐसा भगवान की कृपा परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के कमल व चरणों में हम सब लोग भजन श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अहेतु की कृपा है। हमारे परम सम्मानी कोमल प्रताप सिंह जी डब्लू सिंह जी विराजमान हैं। हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय जनपद पंचायत अमरपाटन के लोकप्रिय अध्यक्ष परम सम्मानी विनीत पांडे जी विराजमान हैं। हमारे परम सम्माननीय परम आदरणीय मध्य प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के निज सचिव परम सम्माननीय जयप्रकाश शर्मा जी के सुपुत्र वासु महाराज विराजमान है। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। और हमारे परम सम्माननीय परम आदरणीय जो कि इस कार्यक्रम को सुनने दिल्ली से पधारे हैं हमारे परम सम्माननीय तिवारी जी और हमारी परम सम्माननीय परम आदरणीय श्रीमती कंचन तिवारी जी, उनका सहृदय से स्वागत है अभिनंदन है इस दरबार में जी। हमारे परम पूजनीय महाराज जी के सेवक हैं लेकिन मैं इनका सेवक हूं। भाई सूरज जी के चरणों में मैं सादर दंडवत करता हूँ प्रणाम करता हूँ। एक बात बता दूं, संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है लेकिन संत को ये न सोचना चाहिए कि हमसे छोटा है कि हमसे बड़ा है। संत संत होता है। मैं तो संतों का दर्शन न पाऊं केवल संतों का रज उनके चरणों का रज प्राप्त कर लूं। धूल मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। हमारे परम पूजनीय सूरज महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका अभिनंदन करें। हंसता हूं मैं सदा हंसाने का काम करता हूं
इस भरी महफिल को मस्तानों के नाम करता हूं, जिन्होंने अपने पूज्य महाराज जी के सेवा में अपना पूरा जीवन, अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी महाराज जी के सेवा में लगा दी। ऐसे परम सम्माननीय परम पूजनीय सूरज जी को मैं चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। भगवान की कृपा, भगवान की अहित की कृपा। वो माता पिता धन्य हैं जिनके पुत्र धर्म के मार्ग पर आचरण करते हो, व्यवहार करते हो, भगवान का नाम जपते हो। और वो माता पिता तो बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पुत्र संतों के चरणों की सेवा करते हैं। वो माता पिता बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान की यह कृपा है। एक बड़ी सुंदर भजन याद आ रही है, भगवान भोले बाबा की। जब डब्लू भाई को देख लेता हूं तो मुझको भोले बाबा की भजन सुनाई देने लगती है। बड़ी सुंदर भजन सुनिएगा। थोड़ा सा इंतजार मने मनई धारण राय को पड़ी, मनई बलि के राय को पड़ी। बहुत मने मजा ले के चक्कर में नहीं, आज आनंद ले के चक्कर में नहीं। राम जी भजन में केवल आनंद मिला था, अब फिल्मी गाना में भोजपुरी में और उटपटांग गानन में का मिला था, वो मजा मिला था। मजा कुछ क्षण को होत है, मजा चिरस्थाई होत है, आनंद आनंद में अस्थायित्व होत है, आनंद टिकाऊ होत है, आनंद के कोनो विलोम नहीं आए, आनंद के कोनो पर्याय वाची नहीं आए। आनंद अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद लीजिए आज भगवान के कमल में श्री चरणों का। बड़ी सुंदर भजन है, सुनिएगा बबलू भैया। फिर इसके बाद मैं विनीत जी के लिए गीत सुनाता हूँ, जो महीने सुना दे तो चले जाइए। डब्लू सिंह जी बड़ी सुंदर भजन है। परम सम्माननीय परम आदरणीय मैं कंचन जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच में आए तो भजन तो सुनाई दे। आइए आइए एक तो आइए आ तो जाइए। बड़ी सुंदर भजन है, सुनिएगा। हरी हर एक है दोनों, हरी हर माने, हरी माने भगवान कृष्ण, और हर माने बोलिए ना, हर माने बोले ना। हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर कैसे हुए? लक्ष्मी जी के उत्पत्ति समुद्र से हुई, तो समुद्र पिता हुए, और भगवान विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं, तो समुद्र उनके ससुर हुए।
और भोले बाबा हिमालय में वास करते हैं, उनके ससुर हिमाचल हुए। ये रहते शीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। हमारी परम सम्मानीय परम आदरणीय कंचन तिवारी जी की तरफ से 1100 रुपए की भेंट आई है। कंचन तिवारी जी दिल्ली से पधारी, उनके लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। सुनो थोड़ा ये बजा बजा अपमान करने में, ससुर अपमान करने में, न ये कम है न वो कम है, हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरी है एक है।
हमारे बीच में दो और कलाकार हैं, एक एक मुस्कान जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक गीत मुस्कान जी सुना रहे हैं। भाई संदीप सिंह बेला उनकी तरफ रख दियो, तरफ ठीक ठीक। भाई संदीप जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। सभी अतिथियों का स्वागत। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। आज तिगाऊं
आरस गाँव हे राजा राम।